भाजपा के विस्तारकों की बैठक प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की अध्यक्षता में एक निजी हॉल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने विस्तारकों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सदस्यता अभियान पर जोर दिया जाए। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख और विस्तारक समन्वय बनाकर हर बूथ पर कम से कम 100 नया सदस्य बनाए। उन्होंने पुराने सदस्यों का सत्यापन कराने के लिए भी कहा ताकि मतदाता की सही तस्वीर अपने पास रहे। उन्होंने कहा पन्ना प्रमुख बनाने के कार्य को प्राथमिकता दिया जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर शक्ति केंद्र और बूथ समितियों को सक्रिय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विस्तारक संगठन की पूंजी और भविष्य है, इसलिए जिला अध्यक्ष और कार्यपालक की जिम्मेदारी है कि वह विस्तारक को संभाल कर रखे और उन्हें संगठन के लिए उपयोगी बनाए। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पीएन पाठक, महामंत्री प्रदीप शुक्ला, मंत्री जनार्दन तिवारी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी और विस्तारक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा इस बैठक के समापन सत्र में के रूप में प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। फिर से आग्रह करूंगा कि माननीय सुनील बंसल जी का स्वागत करें। मैं पंकज जी से आग्रह करूंगा, डॉक्टर पंकज सिंह जी से, कि क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत। धन्यवाद सरवण जी, अपने इस क्षेत्र की विस्तारक बैठक में अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष और विस्तारक योजना की सरवण जी, मैं पंकज जी और सभी जिलाध्यक्ष, जिलापालक और विस्तारक कार्यकर्ता बन तो कई मुद्दों पर चर्चा हो गई है। केवल मुझे कुछ बातें समझनी है, इसलिए कोई मार्गदर्शन नहीं है, तो कुछ समझना है और कुछ बातें लास्ट में कहनी है। जिला पालक का नाम कि हमारे जिले जो नहीं बता सकते वो हाउस ऊपर करें। 2022 के चुनाव की तैयारियों के दृश्य से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम बनाए हैं, उन कार्यक्रमों को नीचे लागू करने के लिए जो हमारी योजना है, उस योजना के तहत आज जिलाध्यक्ष, जिलों के विस्तारक के पालक और जिलों में जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विस्तारक लगे हैं उनकी एक बैठक है। तो आगामी जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को लेकर चर्चा करेंगे और पिछले महीने जो कार्यक्रम दिए गए थे उनकी समीक्षा करेंगे, दोनों को मिला करके ये बैठक। अलग अलग बैठकें हैं, यह बैठक आज की है, कल दूसरी बैठक है, परसों दूसरी बैठक है। तो हम भारतीय जनता पार्टी एक विशाल वटवृक्ष के रूप में काम करती है, तो हमारे पास मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, प्रकल्प है, विभाग हैं, तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं को दायित्व है और सब मिलकर करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। तो सब मिलकर करेंगे तो सबके कार्यक्रमों की जानकारी करना, उनके कार्यक्रमों इनपुट देना, फिर उनके कार्यक्रमों की समीक्षा करना, ये सब मिलकर करता है, चलता है, इसलिए अलग अलग बैठक। देखिए, जनता ने हमें बहुमत दिया, हमें सरकार चलाने का मौका दिया, स्वाभाविक रूप से पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हो और पहले से बेहतर स्थिति हो, इसलिए इसको लेकर के भाजपा का कार्यकर्ता काम कर रहा है।